भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आज बेटा अपने बाप को भूमि पर पड़ा हुआ देखा, जिस बाप को सिंहासन पर देखा, जिस पिता को सूर्यवंश के तिलक को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा था, वो पिता को आज राम जमीन पर पड़ा हुआ देख रहे हैं, भूमि पर पड़ा हुआ। राम जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को राम धिक्कार रहे हैं। मां, मेरे जैसे व्यक्ति को डूब कर मर जाना चाहिए अगर मेरे कारण पिता की ये दशा है। मेरे कारण अगर मेरे पिता की ये दशा है तो मुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए। वो बेटा किस काम का, वो बेटा किस काम का जिसका पिता जमीन पर पड़ा हुआ हो। जमीन एक अवस्था आती है तो बेटा भी बाप से कह देता है, पापा अब तुम्हें दुकान पर आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, पापा मैं हूं ना सब संभाल लूंगा, आपको पैसे की जरूरत हो मुझे बोलना, आपको हरिद्वार घूमने जाना है, शुक्रताल जाना है, बद्रीनाथ जाना है, यमुनोत्री गंगोत्री जाना है, मुझे कहना पापा कमी नहीं आने दूंगा, आप चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, चलो मैं तुम्हें गाड़ी पर लेकर चलता हूँ, राम कथा में छोड़ के आता हूँ पापा, चलो कमाने के लिए जिंदगी पड़ी, मैं दुकान की शटर गिरा देता हूँ पापा, चलो। चलिए मेरे साथ, और एक बेटा वो होता है, बाप बीमार पड़ा है तो उसके बीमारी के लिए बहुओं के पास फुर्सत नहीं है तो नौकर को लगा रखा, जा देख क्या पापा ने कहीं उल्टी उल्टी कर दी होगी, दवाई हवाई दिया, ऐसा करिया वैसा करिया, बहुएं नहीं जा रही, बेटे नहीं जा रहे, नौकर जा रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, दीपावली पर तिजोरी आप लोग साफ करते हो कि नहीं करते, अरे बोलो तो सर, कपड़ा बदलते हो तिजोरी के अंदर का, कागज बदलते हो तिजोरी के अंदर का, तो ईमानदारी से बोलना, तिजोरी को जब साफ करते हो तो नौकर से करवाते हो कि तुम करते हो, अरे बोलो जम के अच्छे से बोलो, तिजोरी साफ कौन करता है, नौकर के तुम, जिस तिजोरी में धन रखते हो, जिस तिजोरी में तुम लक्ष्मी रखते हो, उस तिजोरी को तुम साफ करते हो, घर का तुम अपने बेटे तक पे विश्वास नहीं करते, बहू पर विश्वास नहीं करते, खुद बुढ़ा बुढ़ी साफ करते हैं, स्वयं साफ करते हो, किसी पर विश्वास नहीं है, तो जब घर की तिजोरी तुम साफ करते हो तो घर के माता पिता भी वो तिजोरी हैं जिसकी सेवा बेटों और बहुओं को करना चाहिए, क्योंकि रखी हुई तिजोरी का माल तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर बूढ़े माँ बाप का अगर आशीर्वाद मिल गया तो बूढ़े के भी दिन फिर जाएंगे और करोड़पति बन जाएगा, करोड़पति।